अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ टूरिस्ट प्लेस दोसई से मोहम्मद नसीम। अच्छा, रात 8 बजे से यहाँ पे मुकम्मल बर्फ़ारी हो रही है और वो बर्फ़ारी लगातार चल रही है अभी तक, और 5-6 इंच जो है ज़मीन पे ठहर चुकी है। मज़ीद बर्फ़ारी में आप लोगों को अभी बाहर का मंज़र दिखा दूँगा, मैं टेंट के अंदर आया हुआ हूँ। अच्छा, एक गाड़ी सिकरदो से गुलतरी जाने के लिए निकली है अभी, वो कह रहे हैं कि रोड साफ़ है और हमने उनसे मालूम लिए हैं टॉप से लेकर यहाँ तक बड़ा पानी तक कोई टूरिस्ट जो है नहीं फंसा है, कोई गाड़ी नहीं फंसी है। हमने रात को ही यहाँ से क्लियर किया था, गाड़ियों को हमने वापस किया था, कुछ गाड़ियाँ यहाँ रुकने की बातें कर रहे थे। हमने कहा था कि रात को बर्फबारी होने वाली है, अगर खुदा नाश्ता बर्फबारी ज़्यादा होती है तो फिर आप लोगों के लिए सुबह मसाइल होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर किसी को भी रुकने नहीं दिया था। गिलेम पाकिस्तान और ये मंत्री होटल में हमने रुकने नहीं दिया था, उनको हमने वापस किया था। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ था और अभी भी अल्लाह की फजल से कोई टूरिस्ट यहाँ पर फंसा हुआ नहीं है। बाकी चिलिम से कोई अभी तक कोई इतला नहीं मिली है, अगर चिलिम से कोई गाड़ी पहुंचती है तो फिर वो मैं अपडेट्स आप लोगों को देता रहूँगा। बाकी मैं बाहर का मंज़र आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बर्फबारी लगातार रात से इसी मकदार में ऐसी जोर के साथ हो रही है। बाकी सिग्नल का थोड़ा इशू चल रहा है मौसम की ख़राबी की वजह से, उस सूरत में जो है हमें सिग्नल पे जाके जो है आप लोगों के साथ रात में रहना होगा। बाकी हम यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं होगा किसी टूरिस्ट के साथ या फिर किसी हमारे लोकल जो सिकरदू से आते हैं उनके साथ कोई मसला मसाइल नहीं होगा। अगर होने की सूरत में जो है हम रब्ता करके आप लोगों के साथ रबते में रहेंगे। वसलम।